हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो मेरा वीडियो है वो एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जिसके बारे में बात करना हम सबको बहुत पसंद है, स्पेशली गर्ल्स को। हो सकता है कि 100% नहीं, क्योंकि बहुत लोग एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन मैं जितनी भी लड़कियों को जानती हूँ उन सबको इस टॉपिक के बारे में, यानी कि ड्रेसअप होने के बारे में, कि हमें कैसे रेडी होना है, कैसे नहीं होना है, हमें कितना अच्छा लगना है, कौन सी ईयरिंग पहननी है, इन सब के बारे में जानना और देखना बहुत पसंद करते हैं सारे लोग। तो जो आज का हमारा ये वीडियो है वो इसके बारे में होने वाला है कि वो कौन सी ऐसी तीन चीज़ें हैं, जब भी हम ड्रेसअप करते हैं, जब भी हम रेडी होते हैं, तो वो कौन सी ऐसी तीन बातें या तीन चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। तो जब भी हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो वहाँ पर हमेशा आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका ड्रेसअप होना, आप कैसे ड्रेसअप होते हो, आप कैसे खुद को डिपेक्ट करते हो, एक ड्रेसिंग सेंस के थ्रू वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसकी इनर पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ऐसा बोलते हैं वो, इसीलिए क्योंकि आप जो कैरी करते हैं अपने ऊपर, आप जो जैसे कपड़े कैरी करते हैं, उस चीज़ को जैसे कैरी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को डिपेक्ट करता है कि आप एज एन पर्सन कैसे हैं। तो इतनी बातें ना करते हुए हम वो तीन चीज़ें जानते हैं जिन तीन चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी हम ड्रेसअप करते हैं। सो इट्स इट स्टार्टेड। तो वो पहली चीज़ जिसका हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और हम मैक्सिमम टाइम इसे भूल जाते हैं, वो है हमारा कंफर्ट लेवल। कभी कभी तो ये पहली चीज़ मेरे वो तीन चीज़ों के बराबर काम कर जाती है, क्योंकि हमारा कंफर्ट लेवल बहुत ज़रूरी है कि हम किस कपड़े में, किस अटायर में कितना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें। और वो बात जो दूसरे नंबर पर आती है जब भी हम कपड़े चूज़ करते हैं, वो है हम कितने कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं उस ड्रेस में जो हम ले रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ अच्छे दिखने के लिए कोई ऐसी ड्रेस चूज़ कर लेते हैं जिसमें हमें अपना पेट पचका के रखना है या फिर हेड स्ट्रेट करके रखनी है, हम ऐसे मूव नहीं हो सकते, वैसे मूव नहीं हो सकते, कंफर्टेबली चल नहीं सकते, तो उसमें हम अपना कॉन्फिडेंस लैक करते हैं। ये पॉइंट पहले पॉइंट से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, क्योंकि अगर आप किसी कपड़े में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो बहुत मैक्सिमम चांसेस हैं कि उस ड्रेस में आप कॉन्फिडेंट भी फील ना करें। जब कॉन्फिडेंस की बात आती है तो बहुत बार हम लोग इसलिए भी कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं क्योंकि ऐसा हम सोचते हैं कि ये ड्रेस में पे अच्छी नहीं लग रही है यार, क्या ही पहन लिया यार, कि वो क्या सोचेंगे यार, ये क्या बोलेंगे यार। तो ऐसा नहीं है, जब भी आप कोई भी ड्रेस पहने तो आप यू मस्ट फील कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि नहीं, ये मेरे पे तो एकदम मस्त लगी। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारी जनरेशन में से बहुत लोग बहुत बार भूल जाते हैं और ये बोलते हैं कि यार हम उनके हिसाब से क्यों कपड़े पहने, हम अपने हिसाब से कपड़े पहनेंगे, उनको ये सोचना चाहिए कि हम अपनी लाइफ जी रहे हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा डिस्कशन इस पर शुरू हो सकता है। लेकिन इसीलिए बोलते हैं कि जैसा देश वैसा भेस, इसमें कुछ भी अपने ईगो पे लेने वाली बात नहीं है कि नहीं हम तो जो पहनना चाहते हैं वही पहनेंगे, लोग हमें टोक कैसे सकते हैं, लोगों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ऑब्वियसली लोगों को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत बार अपना प्रस्पेक्टिव छोड़ के दूसरे के प्रस्पेक्टिव से सोच के देखना चाहिए, तो हो सकता है कि चीज़ें आपके लिए थोड़ी चेंज हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।